महाराष्ट्र के यवतमाल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही की सारे हदें पार कर दी है, और ये कोई ऐसी वैसी गलती नहीं बल्कि 12 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ जैसी लापरवाही थी। दरअसल 12 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के पोलियो ड्रॉप की जगह 2 मौत वाली हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया, और इस बात का खुलासा तब हुआ जब उन बच्चों की तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना रविवार की है, और रविवार को खांजा जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा था, और इस दौरान बच्चों को हैंड सैनिटाइजर पिलाने की घटना सामने आई। यहां 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया गया, जिसके बाद इन बच्चों ने देर रात उल्टी करनी शुरू कर दी। उसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को देखते हुए इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि उनके बच्चों को जब पोलियो की ड्रॉप दी गई, उसके बाद उनके बच्चे उल्टी करने लगे। इसके बाद जब स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने पोलियो ड्रॉप की जगह हैंड सैनिटाइजर पिला दिया है, तो दोबारा उन्होंने पोलियो ड्रॉप पिलाया। परिजनों का कहना है कि हम अपने बच्चों का काफी ख्याल रखते हैं, लेकिन बात पल्स पोलियो की थी, तब उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों की इसकी इजाजत दी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की ये लापरवाही हद है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक CHO, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक आशा कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, और मामले की जांच की जा रही है। यवतमाल जिला परिषद के CO ने कहा है कि मामले की जांच पूरी होने के बाद घटना के दोषियों की दोष जो है वो तय की जाएगी। अस्पताल में भर्ती बच्चों की तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें, ये घटना तब सामने आई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2021 में नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव लॉन्च किया है। भारत पिछले एक दशक से पोलियो मुक्त, आखिरी पोलियो के केस देश में 13 जनवरी 2011 को दर्ज की गई थी। होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।